वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। पहले अपनों ने बात की थी कौन से अनु व कौन से यौगिक ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं। आज अपने बात करते हैं ऐसे कौन से अनु या यौगिक है जो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करते। तो कहने का मतलब साफ साफ है, अपने पढ़ेंगे सम्मिति के तत्व, जिसमें सम्मिति के ये तीन तत्व उपस्थित है, ये तीन भाग उपस्थित है। पहला है सम्मिति तल, दूसरा है सम्मिति अक्ष और तीसरा है सम्मिति केंद्र। अगर किसी भी अणु या किसी भी वस्तु या किसी भी यौगिक में ये तीनों उपस्थित है तो वह अणु ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करता, वह क्या हो जाता है, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। आगे बात समझ में तो आपको पता लग गया होगा ये टॉपिक अपने क्यों पढ़ रहे हैं। सम्मिति के तत्व क्या करते हैं, सम्मिति के तत्व यदि किसी अणु में उपस्थित हो तो वह यौगिक ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करता और इसके आधार पे अपने कह सकते हैं वह यौगिक प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित नहीं करता। आगे बात समझ में तो सबसे पहले अपने को इन तीनों को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है इन तीनों को। अपने सिलेबस में तीनों की परिभाषा है, ज़्यादा डिटेल से अपने यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं इनको। देखो भी सबसे पहले आ जाएगा अपने एक नंबर पढ़ेंगे सम्मिति तल। पहले मैं तुम्हें नॉर्मल भाषा में बताता हूँ, फिर अपने बात करेंगे इसको परिभाषित कैसे करना है। अगर मैं सम्मिति तल की बात करूँ तो देखो होता क्या है, मान लो कोई वस्तु है उसको मैं अगर दो भागों में विभाजित कर दूँ, मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया। अगर ये दोनों मार्कर के दोनों भाग हैं, ये एक मार्कर के जो दोनों भाग हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब कब होंगे, यदि वे दोनों समान होंगे तो उस तल को अपने कौन सा तल बोलते हैं, सम्मिति तल। थोड़ा सा अपने उदाहरण लेते हैं फिर इसको करेंगे अपने परिभाषित। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ए, दूसरा मानो इधर मैंने ले लिया बी, अभी से बी की तरफ देखो, इधर ऐसा बना लेते हैं जिससे आपको समान भाग दिखे दोनों, ठीक है। अब ए को मैं कौन से भाग से काटूं, दोनों भाग समान रूप से अपनी को दिखाई दे और ऐसे लगे दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, कहां से कट करूं मैं, कौन सा है ऐसा तल, ये वाला। अगर मैं एक इस तल से इस ए को विभाजित करूं तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये विभाजित हो गए दोनों तल तो ऐसे लगेंगे एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। अब बी में बताओ कौन सा ऐसा तल है जहां से मैं इसको विभाजित करूं और दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब लगे, तो बी में आ जाएगा अपनी ये वाला तल। आगे बात समझ में, देखो अपने को पता है अगर अपनी ये खड़ी वाली कट करते हैं तो उसको अपने कौन सा तल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। अगर ये वाला कट करता हूं मैं, इसको अपने कौन सा तल बोलते हैं, क्षितिज तल। आगे बात समझ में, अब इसको अपने परिभाषित करते हैं जैसे अपने को एग्जाम में लिखना है। तो सम्मिति तल किसी भी वस्तु या अणु का वह तल होता है जिसको अपने क्या करते हैं, किसी अणु या वस्तु को उस तल से दो भागों में विभाजित करें और जो दोनों बने हुए भाग हैं वो एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब। तो वह तल जिसको अपने दो भागों में विभाजित करे, आगे क्या बात समझ में, किसी अणु या वस्तु का वह तल जिसमें उस अणु को दो भागों में विभाजित करे और बने हुए दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, उस तल को अपने क्या बोलते हैं, सम्मिति तल। जैसे अपने एक उदाहरण भी लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ मेसोटैट्रिक कमल।
हाँ, मेसोटैट्रिक अमल की स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी, क्या होती है देखो आगे अपने इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। मेसोटैट्रिक अमल क्यों बोलते हैं इसको, आगे टॉपिक आएगा अपने मेजो कंपाउंड। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ COH ग्रुप होते हैं, दो कार्बन होता है इधर की तरफ, एक कार्बन के इधर की तरफ COH ग्रुप, एक इधर की तरफ लगा हुआ होता है OH और दूसरी तरफ इधर की तरफ OH, एक H इधर की तरफ और एक H आ जाएगा इधर की तरफ। किसका स्ट्रक्चर सही है? मेसोटैट्रिक अमल। ध्यान से देखिए इस संरचना को, क्या आपको कोई ऐसा तल दिखाई दे रहा है जिससे कट करने पर दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो? ये वाला तो नहीं होगा, कौन सा होगा? क्षितिज तल। आगे बात समझ में, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सममिति तल। सममिति तल। आगे बात समझ में, तो सममिति तल क्या हो जाएगा? किसी अणु या वस्तु का वह तल सममिति तल होता है जहाँ पे क्या, किसी भी अणु या वस्तु को दो भागों में विभाजित करने पर वह बने हुए दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, उसको अपने क्या कहते हैं? सममिति तल कहते हैं। आगे क्या बात समझ में? अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं सममिति अक्ष। नेक्स्ट अपने आ जाएगा सममिति अक्ष। ध्यान से देखना है यहाँ पे इसको, सममिति अक्ष कहते किसको है? वह अक्ष जिसमें किसी वस्तु या अणु को घूर्णित करने पर या घुमाने पर, आगे क्या बात समझ में, घुमाने पर प्राप्त संरचना मूल संरचना के समरूप हो या प्राप्त संरचना मूल संरचना पे अध्यारोपित हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? सममित अक्ष। ये तो हो गई परिभाषा, मगर परिभाषा समझ में कब आएगी? जब अपने एक बढ़िया सा उदाहरण लेंगे। देखो भी सममिति अक्ष वह अक्ष होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया वाटर का, जल का उदाहरण। एक बात और बता देता हूँ, RBSC में आपके सममिति तत्वों में ये वाला टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 जस्ट अभी क्वेश्चन आया था यहाँ से, वाटर का सममित अक्ष पूछा था क्या होगा। देखो भी सममिति अक्ष है ना, उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं CNC। N यहाँ पे क्या है? N है यहाँ पे घुमाने, कितनी बार घुमाया है। अगर अपने किसी 360 डिग्री पर घुमाते हैं किसी भी अणु को, 360 डिग्री पर घुमाने पर दो बार समान संरचना प्राप्त हो तो यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? दो। और उसका सममित अक्ष क्या हो जाएगा? सममित अक्ष हो जाएगा C2। ऐसे ही मैं अगर कह दूं यहां पे तीन बार समान संरचना प्राप्त हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इक्वल हो जाएगा 3 और सममिति अक्ष क्या हो जाएगा उसका? C3। आगे क्या बात समझ में? अब देखो यहाँ पे अपने थोड़ा उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं। समझ में आ गया सममिति अक्ष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CNC। n कैसे निकालते हैं? दो बार घुमाने पे अगर समान संरचना प्राप्त हो तो n की बराबर 2, अगर तीन बार हो तो n बराबर 3, चार बार समान संरचना प्राप्त हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखो भाई अब थोड़ा उदाहरण लेते हैं तब बढ़िया समझ में आएगा। देखो भाई जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल संरचना बनाएंगे, इधर की तरफ ऑक्सीजन, इधर की तरफ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हो गया इधर की तरफ, इसको मैं मान लेता हूँ HA और इसको मैं मान लेता हूँ HB, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ऑक्सीजन के। ये देखोगे बोर्ड पे बाद में समझाऊंगा, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ एक ट्रिक, मेरी वाली ट्रिक। देखोगे मान लो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, मुझे 360 डिग्री पे घुमाना है इसको, एकदम सेम ऐसी संरचना आनी चाहिए। आगे क्या? समरूप हो संरचना।
तो देखो कितनी डिग्री पे घूमेगा तब ये समान संरचना बनेगी। घुमा रहा हूँ 360 डिग्री पे इसको पूरा मैं, अभी घूम रहा है अभी, ये देखो समान संरचना कितने डिग्री पे आ गई पहले बताओ मुझे, अभी कितने डिग्री पे आई, यहाँ पे था, पूरा घुमाएंगे तब 360 डिग्री। समान संरचना ऐसी की ऐसी कब प्राप्त हो रही है बताओ, आगे एक बार समान संरचना कितने डिग्री पे आ रही है, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे आगे। तो मतलब एक बार घुमाने पे कौन सी कितनी कौन सी आती है संरचना, 180 डिग्री पे। तो देखो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे रोटेट करने पर अक्ष कौन सा हो जाएगा, सममिति अक्ष, ये वाला, किसी अक्ष पे किसी अणु को घुमाने पर। अब आगे देखो अपने क्या आ जाएगा, इधर इधर बी था और इधर ए था, क्या हुआ था अपनों ने प्रैक्टिकल देखा था, इधर की तरफ ओ, बी किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, और ए किधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ। हम आते हैं जस्ट वहां पे, ठीक है, अब देख लेना मार्कर कौन सा कहां पे था, ठीक है, होगी एक बार घुमाने पर, फिर वापिस और घुमाना है, वापिस आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, फिर वापिस घुमाएंगे एक बार और संरचना प्राप्त हो रही है। 360 डिग्री में घुमाने पे कितनी बार समान संरचना प्राप्त हो रही है, दो बार, एक बार अपनों ने ये था इसको 180 पे घुमाया, एक बार समान संरचना, फिर एक बार और घुमाया, फिर समान संरचना, कितनी बार समान संरचना आ रही है, दो बार। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैंने वापिस घुमाया 180 डिग्री पे, वापिस कौन सी संरचना आ गई अपने पास, ये वाली, लिख देते हैं इधर घुमाने पर, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, हाँ भी एनी प्रॉब्लम्स, एच ए था, इधर की तरफ बी आ गया, वापिस 180 डिग्री पे, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री, पूरा घुमाया है अपनों ने। समान संरचना कितनी बार बनी, दो बार, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इक्वल क्या हो जाएगा, टू, तो सममिति अक्ष क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी टू। ये क्वेश्चन आया था आपके आरबीएससी में, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए सममिति अक्ष क्या हो जाएगी, सी टू। आगे बात समझ में, अब बॉन्ड एंगल पता करना हो तो बॉन्ड एंगल कोण कैसे पता करते हैं, अभी कितने कोण पे आई संरचना, दो बार, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में एन, अपने को कितनी बार संरचना प्राप्त हुई थी, दो बार समान संरचना, तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, टू, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितना है, कितने कोण पे प्राप्त हुई दो बार समान संरचना, 180 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे, दो बार घुमाया अपनों ने 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ तक आ गया समझ में, अब देखो अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल लेते हैं अपने BF3। बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, देखो पहले सबसे पहले इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे हो जाएगा बी, सममिति अक्ष देखना है अपने को इसका, इधर की तरफ आ जाएगा एक एफ, इधर की तरफ आ जाएगा दूसरा एफ, और इधर की तरफ आ जाएगा तीसरा एफ। समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, इसको क्या मान लिया सी, ठीक है। अब देखो इसको घुमाएंगे अपने, देखते हैं वैसे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अब ये संरचना वापिस अब इसको घुमा रहे हैं अपने, घुमाएंगे तो समान संरचना कब प्राप्त होगी, जब F, ये वाला F इसकी जगह आ जाएगा, ये वाला F किसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह। आगे क्या बात समझ में, देखो तो कितने डिग्री पे घुमाने पे समान संरचना प्राप्त हुई, 120 डिग्री पे, ये वाला इधर आ गया इधर की तरफ, तो मैंने इधर लिख दिया B। अब ये वाला किधर जाएगा, इधर की तरफ, ये B किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, तो मैं तीनों F लिख देता हूँ, फिर अपने देखेंगे कौन सा F किधर की तरफ आया है। अब ये चला गया इधर की तरफ, इधर आ जाएगा एफ ए, ये चला गया इधर की तरफ, ये आ जाएगा एफ सी, और ये किधर चला जाएगा, इधर की तरफ। 360 डिग्री घुमाना है अपने को पूरा, एक बार समान संरचना 120 डिग्री पे आई। आगे क्या आपको ये पूरा नहीं ध्यान रखना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपसे, तो सीधा सममिति अक्ष पूछेंगे। हाँ, एन को अपने गुणित बोलते हैं, जैसे दो बार घुमाने पर समान संरचना हो तो द्विगुणित, या इसको पूरा नाम अपने बोलते हैं द्विगुणित गुणित अक्ष। तीन बार समान संरचना प्राप्त हो उसको बोलते हैं त्रिगुणित, अगर अपने हिंदी में देखें तो उसको बोलते हैं त्रिगुणित घूर्णन अक्ष। ये एन को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं वो बताया। अब इसको 120 डिग्री पे और घुमा देंगे तो समान संरचना कब होगी, एक बार ये एफ इधर आ जाएगा, ये एफ इधर, एक बार ये एफ इधर, तो अपने क्या आ जाएगा बी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, घुमाएंगे एक बार ये एफ सी इधर,
तो घुमाने पे देखो, एक बार और घुमाएंगे 120 डिग्री पे, बी किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, तो इधर लिख देंगे अपने एफ बी। सी किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, इधर लिख देंगे एफ सी। और ये वाला ए किधर आ जाएगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। दो बार होगी समान संरचना। अब एक बार और घुमा दो, वापिस हो जाएगा 360 डिग्री, ये संरचना बन जाएगी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ सी किधर चला गया, इधर की तरफ, एफ ए किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ। आगे बात समझ में, एफ सी आ गया अपने इधर की तरफ, आगे बात समझ में, एफ ई इधर, ये क्या हो जाएगा, बी। पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये बी कट गया बीच में। अब मैंने वापस घुमाया है तो एफ ए आ गया इधर की तरफ, एफ बी किधर चला जाएगा, इधर की तरफ, और एफ सी किधर आ जाएगा, इधर की तरफ। देख लेना ये ठीक है भाई। सबसे पहले 120 डिग्री पे घुमाया, एफ ई आ गया इधर, और एफ बी, एफ ई किधर चला जाएगा, फिर इधर, और फिर आ जाएगा एफ ई बी इधर। अब एक 120 डिग्री पे और घुमाऊंगा तो वापिस हो गया 360, ये ए किधर आ जाएगा, वापिस इधर, ये सी किधर आ जाएगा, वापिस, वापिस इधर, और ये बी किधर चला जाएगा अपने, देखो इधर की तरफ बी था, वापिस आ जाएगा इधर। बोलो अभी समझ में आ गया क्या, यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, एफ सी चला गया इधर घुमाने पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ सी इधर, फिर वापिस आ जाएगा एफ सी इधर। ऐसी ए देखो, ए किधर चला जाएगा, इधर की तरफ, फिर ए किधर आ जाएगा, इधर की तरफ, फिर ए आ जाएगा इधर की तरफ। ऐसे ही बी के साथ है, बी किधर चला गया, पहले इधर की तरफ, फिर आ जाएगा इधर की तरफ, और फिर किधर आ जाएगा, बी इधर की तरफ। तो कितनी बार घुमाने पे, कितनी बार घुमाने पे समान संरचना प्राप्त हुई अपने को, तीन बार। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। पूरा क्या हो जाएगा, सी थ्री। तो सममिति एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, सी थ्री। नेक्स्ट अपने लेते हैं अमोनिया, NH3। NH3 को मैं थोड़ा वैसे समझाऊंगा कि बोर्ड पे समझाऊंगा तो मैं समझ में नहीं आएगा, फिर वही कंफ्यूजन होगा। देखो प्रैक्टिकली समझते हैं पहले थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मान लो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, ये तीन हाइड्रोजन है। अमोनिया में अपने को देखना है सममिति अक्ष, कितनी बार घुमाने पे समान संरचना प्राप्त होती है। तो आप खुद ही देख लो, ये संरचना है अमोनिया की, ये नाइट्रोजन है, ऊपर लोन पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन संरचना होगी। अब मुझे यहाँ पे पूरा घुमाना है यहाँ तक, ये सही, ये वाला मार्कर है, ये पूरा घूम के इधर आएगा, देख लेना। तो ऐसी संरचना कब आ सकती है वापिस, एक बार घुमाने पे वैसी की वैसी आ गई संरचना, फिर वापिस कब आ सकती है, दूसरी बार घुमाने पे, आगे क्या बात समझ में, फिर वापिस कब आ सकती है, दूसरी बार घुमाने पे, फिर आ जाएगा तीसरी बार घुमाने पे। तो वापिस वही मार्कर आ गया अपने पास। समान संरचना कितनी प्राप्त हुई अपने को, एक बार वैसी की वैसी संरचना प्राप्त हो रही है समान संरचना, और दूसरी बार क्या आ जाएगी, तीसरी बार, दूसरी बार, और फिर आ जाएगा अपने तीसरी बार। समझ में आ गया क्या, तो इसका मतलब अमोनिया क्या होता है, आपको ये वैसे ये नहीं लिखना है, प्रैक्टिकली समझाया है आपको, तो सीधा सममित अक्ष ध्यान होना चाहिए, मैंने रीजन बताया कैसे। तो अमोनिया में कितने सममित अक्ष होते हैं, C3। C3 का मतलब क्या हो गया, त्रिगुणित घूर्णन अक्ष। बॉन्ड एंगल पता करना है तो अपने क्या आ जाएगा, हबी, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3। तो 360 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। कितने डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब इसके कोण कितने हो गया, कितने डिग्री पे घुमाया अपने ने, 120 डिग्री पे। आगे बात समझ में, तीन बार समान संरचना प्राप्त हुई, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, त्रिगुणित या C3 सममित अक्ष। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, मैं परिभाषा को फिर से डिफाइन करता हूँ। किसी भी अणु या वस्तु का वह अक्ष जिसको घुमाने, वह अक्ष जिस पर किसी अणु या वस्तु को घुमाने पर, वह क्या होता है, घुमाने पर उसकी प्राप्त संरचना मूल के समरूप हो, जितनी बार समरूप हो, समान हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसका सममिति अक्ष। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, घुमाने पर प्राप्त संरचना मूल रूप के ऊपर, मूल रूप पर अध्यारोपित हो। कहने का मतलब है अपने तीन संरचना बनाई, अध्यारोपित होने का मतलब दोनों समान संरचनाएं हैं, ये दोनों समान संरचनाएं हैं। अध्यारोपित होने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसी, अध्यारोपित होने का मतलब ये, इसके ऊपर डाल दिया अपनों ने ये,
तो दोनों अध्यारोपित, दोनों एकदम समान होगी तभी अध्यारोपित होगी। अध्यारोपित का मतलब देखो यहाँ पे मार्कर है, इसको मैंने इसके ऊपर कर दिया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो रही है, अध्यारोपित। यहाँ तक बोलो आ गया क्या समझ में? आगे देखोगे, आगे अपने पाठ पढ़ते हैं। सम्मिति केंद्र, क्या होता है सम्मिति केंद्र? तीन नंबर है अपना तत्व, कौन सा तत्व चल रहा है? तीन नंबर। किसी अणु या वस्तु का वह काल्पनिक बिंदु जिस पर कोई सीधी रेखा खींचने पर, आगे बात समझ में, उस बिंदु के दोनों ओर या आमने सामने समान दूरी पर समान समूह उपस्थित हो, उसको अपने क्या कहते हैं? सम्मित केंद्र। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, वो देखो मैंने यहां पे बना लिया बेंजीन, अब मैंने मान लिया कौन सा हो जाएगा काल्पनिक बिंदु को, मान लिया काल्पनिक बिंदु जिसको सम्मित केंद्र, यहां पे कोई रेखा खींच दी मैंने इधर। अब देखो किसी वह काल्पनिक बिंदु जिस पर कोई सीधी रेखा खींचने पर बिंदु के दोनों ओर समान समूह है और समान दूरी पर उपस्थित हो, इधर वाले भी इधर देखो समान दूरी पर उपस्थित हो, कहीं से भी उस बिंदु से उतरी हुई रेखा खींचनी है अपने को, इधर से खींच दी मैंने इधर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सम्मित केंद्र। कहीं से भी खींच दो आप, दोनों तरफ क्या होंगे? समान समूह समान दूरी पर उपस्थित होंगे। इधर से भी खींच दो आप, आगे क्या बात समझ में? इधर से खींच दो, दोनों समूह समान दूरी पर समान समूह उपस्थित हो। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपने एथीन का, इधर की तरफ मैं ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, इधर की तरफ आ जाएगा एच, इधर की तरफ आ जाएगा एच, इधर की तरफ आ जाएगा H और इधर की तरफ H, तो यहाँ पे ये काल्पनिक बिंदु हो गया, इधर से एक रेखा खींची, दोनों तरफ समान समूह समान दूरी पर उपस्थित है, इधर की तरफ देखो दोनों तरफ समान समूह समान दूरी पर उपस्थित है, इधर की तरफ देखो दोनों तरफ समान समूह समान दूरी पर उपस्थित है, इधर की तरफ। और अपने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखें तो ये S अपने लिखते हैं ना ऐसे S, वो क्या प्रदर्शित करता है? सम्मिति केंद्र। देखो भाई इधर से ये मान लिया कोई काल्पनिक बिंदु, इधर से अपनी एक लाइन खींच दी, दोनों तरफ समान समूह समान दूरी पर उपस्थित, इधर से देखो अपनी दोनों तरफ समान समूह समान दूरी पर उपस्थित, इधर से खींच दिया दोनों तरफ समान समूह समान दूरी पर उपस्थित, आगे क्या बात समझ में? यही अपना क्या कहलाता है? सम्मित केंद्र। कहना का मतलब ये है एक ऐसा बिंदु होता है जिसके दोनों तरफ समान समूह हो, समान क्या हो, दूरी उपस्थित हो, उसको ही अपने क्या बोलते हैं? सम्मित केंद्र। और अब अपने ये खत्म हो गया है, मैं थोड़ा सा एक लाइन और बता देता हूँ। सबसे पहले रिपीट कर रहे हैं अपने यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, सम्मिति के तत्व ये प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित नहीं करते, जो प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित नहीं करते, जो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करते, वो तत्वों को अपने क्या बोलते हैं? सम्मिति के तत्व। सम्मिति के तत्व कौन कौन से होते हैं? सम्मिति के तल, सम्मिति अक्ष और सम्मिति केंद्र। सम्मिति तल आपको पता लग गया, मतलब एक ऐसा तल है जिसको दो भागों में विभाजित करें, जिस तल से अपने दोनों भाग विभाजित करने पर दोनों एक दूसरे के क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब। आगे क्या बात समझ में? उसको अपने क्या बोलते हैं? सम्मिति तल। दूसरा अपनों ने पढ़ा है यहाँ पे सम्मिति अक्ष, वह अक्ष जिस पर किसी अणु या वस्तु को घूर्णित करने पर, एक अक्ष बना लिया घूर्णित करने पर, आगे क्या बात समझ में? घूर्णित करने पर प्राप्त संरचना मूल संरचना के समरूप हो, मतलब जिसकी प्राप्त होने वाली संरचना है ना घुमाने पर, वो पहले वाली जो संरचना स्टार्टिंग हुई थी उसके समान हो, मूल संरचना जो अपने हैं जितनी बार समान हो वह उसका सम्मिति अक्ष कहलाता है। जैसे सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं सी टू सी थ्री सी फोर, आगे क्या बात समझ में? उसके बाद में अपनों ने पढ़ा है सम्मिति केंद्र, तो वह काल्पनिक बिंदु जिस पर एक सीधी रेखा खींचने पर बिंदु के आमने और सामने या बिंदु के दोनों, आगे क्या बात समझ में? समान दूरी पर समान समूह उपस्थित हो तो वह उसका क्या कहलाता है? सम्मिति केंद्र। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।